गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग रेडी हैं जंगल सफारी के लिए। ये पीछे मेरे जिप्सीज आ चुकी हैं और सब देख रहे हैं कि किसका नेम किस जिप्सी में है। सो कुछ लोग ऑलरेडी जिप्सीज में बैठ चुके हैं और बाकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारी जिप्सी कौन सी है। बस चेक कर रहे हैं हम भी। मोर सफारी, मोर जिप्सीज हैज कम। और उधर से कुछ निकल भी गई हैं। और ये हमारी जिप्सी, पंकज जी ऑलरेडी सीट ले चुके हैं। पंकज जी किससे बात कर रहे हो? ओके, जिप्सी का नंबर 1700। हम निकल पड़े हैं जंगल सफारी के लिए, 6 लोग पूरे। सो दिस इज द एंट्री ऑफ रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अपनी आईडी है या रणथंभौर टाइगर रिजर्व मैप एंड दिस इज द गेट। तो दोस्तों ये हमारी एंट्री ज़ोन 1 की। ज़ोन 1 ये है और ये चारों तरफ अलग अलग ज़ोन चाहेगा थोड़ी देर के लिए। ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4। सामने डियर टाइगर इनका शिकार करता है, सांभर का डियर है। फोटो खींच ले, फोटो लेना है और आप मेरे को बता देना कहाँ रोकना है। सर ठीक है, ठीक है, रोके मैं आपके लिए गाड़ी, फोटो ले। डियर बहुत दिख रहे हैं भैया यहाँ। चला नहीं, चलो चौकी ले चले। डियर ही डियर है जी। हाँ ये शांत है, इसका मतलब टाइगर आसपास नहीं है। भैया ने बताया है कि टाइगर आसपास होगा तो ये डियर कोयल की आवाज़ निकालेंगे या पता नहीं पिकॉक की, किसी तो बोला। अभी ये शांत अपना खान पान चल रहा है इनका, तो इसका मतलब आसपास कुछ नहीं है।
बस ऐसे ही ठंड का मजा लेंगे यहाँ। फॉरेस्ट चौकी सुल्तानपुर टॉयलेट बने हुए हैं, टॉयलेट। सो दोस्तों ये है फॉरेस्ट चौकी सुल्तानपुर, और ऐसा गाइड का कहना है कि यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे तो शायद कुछ मूवमेंट हो सकती है। ये तो बोल रहे हैं कि टाइगर आ जाएगा, फोटो खिंचवाएगा, मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि टाइगर इतना पास आए और के फोटो खिंचवाने लगे हम उसके साथ, दूर से दिख जाए और हम उसे कैप्चर कर लें, इतना ही बहुत है, नहीं तो ये पीछे वाला भी बहुत है। ये अपने वाला ही है, हाँ ये तो अपने वाला ही है। हाँ यार अभी तो क्या क्या देख लिया, ये हमारे ही हक फैमिली मेंबर्स जो कि चौकी पर वापस घूम कर आ गए हैं। और शिकार भी है साथ में, देखो नीचे सांबरी रंग का, अभी अभी शिकार किया है। So we are lucky to spot the tiger. सर एक मिनट रुको, पीछे में भूलोगे नहीं इसका, इस शॉट का आपको किल साइट मिला है सर, नसीब वालों को मिलता है ये चीज। सांबर का शिकार किया उस इसने, केंटर आ गया, अब भीड़ हो जाएगी, अब क्राउड जल्दी जल्दी बना लो बढ़िया। शोर मत करो, शोर मत करो, बड़ा गलत ना सुनेगा नहीं। एग्नेलो जी के सामने मारा, चीख आई थी तो मारना पड़ा।
और क्योंकि हम लोगों ने टाइगर स्पॉट करा है वो भी जब उसने मजा गया ना नहीं नहीं उसने हिरण का शिकार किया है इसलिए भीड़ लग गई है पूरी जितने भी लोग सफारी में थे कैंटा जिप्सी सब यहाँ के रुक गई है और नहीं ना ले इधर टाइगर का ब्रेकफास्ट चल रहा है वैसे अब डरने की जरूरत नहीं है उसके पास अपना खाना है दो तीन दिन का प्रोग्राम है अभी तीन दिन की जैसे उसका इंतजाम हो गया अब इसके बाद इसको जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कब रहेगी पर तीन दिन बाद टाइगर 10 दिन बाद क्या मन कर जाए उसका टाइगर जिसने जिस डियर का शिकार किया है उसका वेट समथिंग अराउंड 200 kgs होता है और इतना थका दिया सांबर को पानी में आके लेट गया फिर ये सांबर फिर ये उसके ऊपर लेटी आके बहुत ड्रामा हुआ है शोर नोरी पिछले साल उससे भी पिछले साल पिछले से पिछले साल आए थे आलिया भट्ट आई थी रणवीर आया था रणवीर सिंह आया था रणवीर कपूर आया था उस टाइम देखा था मैंने किल के साथ 3 नंबर में अच्छा आप ही ले गए थे उन्हें नहीं वो दूसरी गाड़ी शेरबाग वाली गाड़ी अच्छा और इस जोन में कम से कम 5-7 दिन से साइकिल नहीं है इस जोन में 1 नंबर मैं कह रहा हूँ आप लकी हो आपका दिल पाक साफ है और ये बस टाइगर मुझे लेकिन बैठते ही इन्होंने कहा मैंने यार टाइगर आज दिखेगा टाइगर इन्होंने हमने रास्ते में बात कर ली ये चीज और हमने जल्दी गाड़ी लगाने का यही कहा हर कब्ज आर वॉकिंग वेरी स्लोली That's why she is delaying. वहाँ से तो दिख रहा था ये है सीन देख रहा है कैमरा ऑन है चल उधर ही देखो सीन तो ये है पता नहीं क्या सामान दिख रहा है क्या अपना लाइव लाइव बबलू ये एक में दिखता है हां चढ़ गई तो सारी चढ़ जाएंगी ये सारी नहीं चढ़ रही ये मुश्किल से चढ़ रही है बबलू ओ बबलू ये नहीं लगेगा यार ये कहां से लगेगा प्लेन में ले जा तो करवा दे अच्छी बेचारे शेर गिव हिम सम पीस पकड़ लेना सर हाँ जी पकड़ रखा है ना ना हम गिरेंगे नहीं हम अभी नहीं लगता ड्राइव करके आया खुद ही पत्थर पत्थर है यार कल टेंपो पड़ांगा का नहीं दिक्कत है नहीं चलेगी ये बड़े पत्थर है सामने पत्थर के अंदर हम भैया चलना या इस साइटिंग से ज्यादा देख लें देख लें क्या कह रहा चलो चलो कितना देखेंगे एक ही सीन हमें उसके बच्चे देखना अरे नहीं है बच्चे बड़े हो गए स्कूल जाने लग गए चलो कितना टाइम हो गया दोपहर बाद आएंगे मैं बच्चे से स्कूल गए हैं अभी सुबह से स्कूल अंडिया तक कांटे भाई कांटे अच्छा ये सब आ गए ना वहां से तो वापस जा रहे हम आगे नहीं जाएंगे क्या अच्छा वो रास्ता दूसरी तरफ है कहीं से ले लो
भी एक अच्छी साइटिंग है बच्चे के साथ दूध पीते हुए, समझ रहे हो? ये साइटिंग रोज देखते हैं हम गांव में बच्चे तो भाई साहब आजकल कोई है।